तीन चीजें ऐसी है कि आपको उस चीज को अपडेट करने से पहले ख्याल जरूर रखना होगा, वरना आपके फोन के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो iPhone 13 का कम्युनिटी पोस्ट किया था और उसके अंदर मैं वोटिंग कराया था कि कितने लोग iOS 16 पर है, कितने लोग iOS 17 पर है और कितने लोग मतलब लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। उसमें ज्यादा लोग का जो वोटिंग आया था वो iOS 16 पर आया था और जो मेरा फोन है वो भी iOS 16 पर है। तो यानी सारे लोग, मेरा भी डर था कि क्या इसके अंदर ग्रीन लाइट इश्यूज आ सकता है या फिर और भी सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हम अपडेट आज करके आपको सारी तरीके से यहाँ पर क्लियर करेंगे कि क्या दिक्कत आ सकती है आपके फोन में, क्योंकि मेरे पास भी आईफोन है, आईफोन 13, और अभी मैं अपडेट करने वाला हूँ। तीन चीजें ऐसी है कि आपको उस चीज को अपडेट करने से पहले ख्याल जरूर रखना होगा, वरना आपके फोन के अंदर कुछ भी हो सकता है। सबसे फर्स्ट में स्टोरेज, आपको 20 से 25 GB स्टोरेज को खाली रखना होगा ताकि कुछ भी दिक्कत न हो, क्योंकि इंस्टॉल होता है, बहुत सॉफ्टवेयर यहाँ पर रन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज आपको 50% से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपडेट करते हैं तो बैटरी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है और ज्यादा ड्रेन होती है, तो उस सिचुएशन में आपकी बैटरी भी खत्म हो सकती है, तो शट डाउन हो जाएगा। इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 96 है मेरा, तो क्या इतना रहता है या फिर इससे घट जाता है। और चौथी चीज हम देखेंगे कि मेरा जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो 6 घंटा से लेकर के 8 घंटा के बीच में रहता है। जैसे यहाँ पर iOS 17.4 को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया हूँ, सिर्फ इंस्टॉल करना बाकी है, तो सिंपली यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे। सिंपली नीचे देख सकते हैं इंस्टॉल नाउ है, सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर पासकोड मांगेगा। सिंपली यहाँ पर पासकोड यहाँ पर डाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये डन हो जाता है और यहाँ पर ये इंस्टॉल होगा। अब देखते हैं कि क्या आईफोन के अंदर कोई इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्या ग्रीन लाइन आएगा या फिर क्या होने वाला है। ये चीज मुझे भी डर लग रहा है कि कुछ हो सकता है मेरे फोन के अंदर, लेकिन फिर भी अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि iOS 18 भी चाहिए अपडेट, तो सबसे पहले इसको अपडेट करना पड़ेगा, तभी वो अपडेट करेंगे, वरना ज्यादा MB का हो जाएगा। अभी यही 3.6 GB का था, तो बहुत ही ज़्यादा हेवी जब हो जाएगा अपडेट करने के लिए तो वो भी दिक्कत कर सकता है, तो 17 करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑन होने के बाद क्या सिचुएशन रहता है इसके अंदर, अगर ये ग्रीन लाइन इश्यूज नहीं आते हैं तो भी प्रॉपर सही है। अभी ऑन होने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर ऑन हो चुका है फ़ोन और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे तरीके से अभी कोई स्क्रीन में इश्यूज नहीं देखने को मिले हैं। नमस्ते यहाँ पर लिख रहा है, सिंपली हम स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पर ये खुल जाएगा। तो सिंपली इस तरीके से पासकोड मांगेगा, सिंपली हम पासकोड डाल करके उसके बाद ओपन करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीटेड, योर आईफोन हैज बीन अपडेटेड टू iOS 17.4 और यहां पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहां पर फेस आईडी मांग रहा है। तो मेरा मास्क जो है वो मास्क आईडी सेटअप नहीं किया है, तो यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पर इस पर क्लिक करेंगे और मास्क वाला हम सेटअप नहीं करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहां पर वेलकम टू आईफोन यहां पर पूरे तरीके से सेटअप हो चुका है और यहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होगा अपडेट करने के बाद कि क्या क्या चीजें हो सकता है आपके फोन के अंदर। तो सिंपली हम क्या करें, स्वाइप अप करते हैं, उसके बाद ये पूरे तरीके से ऑन हो चुका है। तो यहां पर अभी कोई भी चीज देखने को नहीं मिली इश्यूज, लेकिन अभी हम चेक करते हैं कि क्या क्या चीज प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। सिंपली यहां पर हम सेटिंग के अंदर आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें के अंदर चेंजेस हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले बैटरी पर आएंगे। तो यहां पर बैटरी हेल्थ है जो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, 96 का 96 ही है, पहले अपडेट करने से पहले भी मैं आपको दिखाया था। उसके बाद हम चलते हैं स्टोरेज के, यहां पर सिंपली हम क्या करेंगे, जनरल में आते हैं और यहां पर आईफोन स्टोरेज में आएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं स्टोरेज, जो यहां पर मेरा स्टोरेज था पहले 60 GB था, लेकिन अभी 65 GB हो चुके हैं। तो कुछ यहां पर स्टोरेज लिया है 4 GB के करीब, 4.5 GB जो है स्टोरेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो मेरा 128 GB है, तो 4 GB माइनस हो गया, तो 4 GB बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर आपका 256 है तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, अगर आपका 128 है तब जाकर के दिक्कत होगी। जनरल में आते हैं और यहां पर अबाउट सेक्शन में आते हैं और यहां पर देख सकते हैं आईफोन 13 है 17.4 पर अपडेट हो चुका है। सो नीचे आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 62 GB हो चुके हैं। तो अपडेट करने के बाद एक फंक्शन यहां पर आ चुका है स्टैंड बाय, यहां पर एक ऑप्शन ज्यादा आ चुका है, शायद यहां पर वो होम स्क्रीन पर नहीं था, अंदर होगा, लेकिन यहां पर स्क्रीन पर आ चुका है। सिंपली हम यहां पर क्या करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें चेंजेस हुई है। तो ज्यादा चेंजेस आपको रिव्यू वाले में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, लेकिन अभी उतना ज्यादा हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम अपडेट किए हैं। तो आगे हम रिव्यू वाले वीडियो लाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो कम से कम आप 2 से 3 घंटे तक फोन को स्क्रीन ऑफ करके उसके बाद उसको छोड़ दे, छेड़छाड़ न करें, डाटा ऑन रखें, उसके बाद सारी चीजें इसी तरीके से रख दे। इससे क्या होगा कि जब आपका फोन न्यू वर्जन पर यहां पर अपडेट होता है, न्यू वर्जन पर सेटअप होता है, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको उस पर यहां पर सेट करने में टाइम लगता है। तो इसे अभी ऑफ रखने के बाद यह होगा कि पूरे तरीके से सेटअप हो जाएगा, तब जाकर के आप यूज करेंगे तो कुछ ऐसे आपके
फोन पर ना डिस्प्ले पर ना कोई भी चीज पर ऐसे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। ज्यादा हमारे समझ से कि दिक्कत होती है तो यही कि आप अपडेट करने के बाद फौरन फोन को यूज करने लगते हैं। तो अपडेट करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए फोन को आराम से रख दे, वो ठंडा भी हो जाएगा, बाद में फिर जाकर के आप यूज करें। तो ऐसे अभी फोन में कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम रिव्यू में बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस होती है 16 से 17 में आने के बाद, क्या क्या हमको यूजेस में फर्क देखने को मिलेगा, बैटरी लाइफ किस तरीके से रहती है, स्क्रीन ऑन टाइम में कमी आता है या फिर नहीं, ये सारी चीजें हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सो मेरा सजेशन रहेगा कि आप बिंदास अपने फोन को iOS 17.4 पर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के iOS 18 पर भी अपडेट करना होगा, जिसमें बहुत सारे AI फीचर आ रहे हैं, तो चीज आपको जरूर इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो आप 18 को नहीं ले पाएंगे। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।